संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2020 में ली गई अंतिम परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित किया गया। इसमें नागपुर सहित विदर्भ के 6 युवाओं को सफलता मिली। जिलाधिकारी कार्यालय में नायब तहसीलदार पद पर कार्यरत स्नेहल वसंतराव ढोके भगत ने भी जगह बनाई। वहीं वर्धा के संकेत वाघे, वरोरा के आदित्य चंद्रभान जीव ने, श्रीकांत रामराव मोडक, प्रणव विनोद ठाकरे व स्वरूप रविंद्र दीक्षित को भी अच्छी रैंक मिली है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई अंतिम परीक्षा के परिणाम में संकेत वाघे को 299वीं रैंक मिली। वहीं आदित्य जीव ने 399, प्रणव ठाकरे 476, श्रीकांत मोडक 499, नेहल ढोके 564 और स्वरूप दीक्षित 749 स्थान पर रहे। UPSC द्वारा जनवरी में मुख्य परीक्षा ली गई थी, वही साक्षात्कार अप्रैल से अगस्त तक चले थे। मूलतः यवतमाल की निवासी स्नेहल ढोके ने इससे पहले महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की थी। विवाह के बाद से त्रिमूर्ति नगर में रहने वाली स्नेहल ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। करियर में आगे बढ़ने की ललक की वजह से MPSC दी थी। इन दिनों जिलाधिकारी कार्यालय में गृह विभाग में नायब तहसीलदार पद पर कार्यरत है। नौकरी के साथ ही UPSC की तैयारी शुरू की और इसमें भी सफलता हासिल कर ली। वरोरा के आदित्य जीवने की प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा वरोरा में ही हुई है। 10वीं के बाद नारायणा विद्यालय से 12वीं तक पढ़ाई की। बाद में आदित्य ने यशवंतराव चौहान अभियांत्रिकी महाविद्यालय से मैकेनिकल ब्रांच में BE किया। आदित्य को तीसरी परीक्षा में सफलता मिली है।